हेलो गाइस, मेरा नाम है रियाज खान। आप देख रहे हैं हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स एंड वी आर बैक विद न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट के ऊपर। जिन्होंने एनन्थेट और प्रोपिनेट वाला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं, थॉरो इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम बात करेंगे साइपोनेट के कब बना, क्यों बना, किस लिए यूज़ हो रहा है, कहाँ तक यूज़ हो रहा है। ऑल्सो हम बात करेंगे कि जब आप टेस्टोस्टेरोन जैसे कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं तो उससे होने वाले वार्निंग्स क्या होती हैं। जब आप उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपको कुछ बड़ी वार्निंग देती है कि जिसके बाद आपको या तो इनको यूज़ कर देना, बंद कर देना चाहिए, या फिर कुछ अपनी डाइट में चेंज करना चाहिए ताकि आप उसको ठीक से यूज़ कर पाएँ। तो हम वो भी देखेंगे, तो वीडियो एंड तक देखना। बात करते हैं कि ये कब पैदा हुआ था। तो ये 1950s से 1960s के बीच में आए हुए स्टीरोइड है। तो ये डायरेक्ट रिप्लेसमेंट था प्रोपिनेट का। एनन्थेट और सिपनेट ऑलमोस्ट दोनों साथ में आए हुए स्टीरोइड से, तो इन्होंने सीधा रिप्लेस किया प्रोपिनेट को। लोगों ने प्रोपिनेट के ज़्यादा इंजेक्शन ना लेकर एनन्थेट या सिपनेट के कम इंजेक्शन लेना ज़्यादा पसंद किया। जो हमें जो ये फ़ायदा दे रहा था वो था कि नाइट्रोजन रिटेंशन को बढ़ा देता था। उसके अलावा ये जो है आपके प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है, यानी कि 21 अमीनो एसिड की जो प्रोटीन चेन होती है उसके प्रोसेस को बार बार ट्रिगर करता था, जिसकी वजह से मसल रिकवरी बहुत तेज़ हो जाती थी। सिमिलरली फास्ट मसल मास गेन हो रहा था, साथ के साथ जो है आपको स्ट्रेंथ में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर रहा था। IGF-1 को प्रमोट करता था, एक बहुत बड़ा फैक्टर है मसल बिल्डिंग का, उसको भी ये प्रमोट कर रहा था। साथ ही साथ जो है ये आपके मसल टिश्यूज़ जो हैं, माइक्रोस्कोपिक जो टिश्यूज़ होते हैं उनको भी ब्रेक डाउन करने में सक्षम था, जो कि सिर्फ प्रोपिनेट ही था। उसके बाद ये वाला स्टीरॉयड आया जो कहीं तक ये भी उस ब्रेक डाउन में सक्षम हुआ। साथ ही साथ इस वाले स्टीरॉयड का आप जो है बल्किंग और कटिंग दोनों में यूज़ कर पा रहे थे, तो लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था, कम इंजेक्शन में ज़्यादा काम हो जाते थे, तो इसीलिए उन्होंने इसका इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद किया। मगर इसका मेडिकल के अंदर यूज़ बड़ा डिफरेंट होता था। वो ऐसे यूज़ इस्तेमाल नहीं करते थे इसको। बेसिकली मेडिकल में इसका यूज़ था जिन लोगों को लो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम होती थी उनको दिया जाता था, जिनमें स्पर्म काउंट लो होता था उनको भी दिया जाता था। मगर देखा गया कि जब हाई डोज दी जाती थी साइपोनेट एनन्थेट जैसे ड्रग की, तो स्पर्म काउंट जो है वो भी लोगों का डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, ना कि बढ़ने की बजाय। तो लेस अमाउंट में जब इसको यूज़ किया जाता है तो स्पर्म काउंट में भी इंक्रीमेंट देता है थोड़ा सा। साथ ही साथ जिनमें हाइपोगोनाडिज्म यानी कि जिनके जेनिटल्स ठीक से नहीं बने हैं या सेक्स हार्मोन ठीक से काम नहीं कर रहा है उनको भी दिया जाता था। ट्रांसजेंडर को हार्मोनल थेरेपी के लिए साइपोनेट दिया जाता था। सिमिलरली जो है जिन लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म होता था उनको दोनों केसेस के अंदर जो है यही दिया जा रहा था साइपोनेट, जाकि उनको उससे रिकवरी की जाए। ब्रेस्ट कैंसर लेडीज़ को जो है ब्रेस्ट कैंसर में दिया जा रहा था, उनके ब्रेस्ट उनके जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनकी क्षमता को बढ़ा देता था टू फाइट विद द कैंसर, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे रहा था ये। तो ये तो हो गए इसके मेडिकल यूज़ और बॉडी बिल्डिंग वाले यूज़। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर, ये हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स दे रहा था। जो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स थे यानी कि जैसे एक्ने निकलना, बालों का गिरना और बहुत ज़्यादा प्यूबिक एरियाज़ पे बाल आ जाना, उसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ इसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स थे जैसे गाइनो हो जाना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन थे जो इसे दिखाई दे रहे थे। तो इसके लिए गाइनो के केस में लोग AI यूज़ करते थे, एरोमेटेज इनहिबिटर्स, और वहीं पे DST के लिए कुछ और स्पेशल ड्रग्स आती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता था, तो वो सब यूज़ की जा रही थी इसके साथ साथ। मगर इसके साथ कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट्स भी आते थे, जैसे कि प्रोस्टेट में होने वाली प्रॉब्लम, यूरिनेट होने में दिक्कत होना आपको, और जो है आपको हार्ट की प्रॉब्लम। अब हार्ट की प्रॉब्लम इससे हो रही होती थी, लोग उसको समझ नहीं पाते थे। समझ कुछ इस तरह से होती है कि अगर आपको ब्रीदिंग में दिक्कत हो रही है तो आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आने में शुरू हो गई है, मतलब आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, क्योंकि वाटर रिटेंशन था इसके अंदर, तो वाटर रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आ जाती थी, ब्लड प्रेशर का तेज़ हो जाना और जो है मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होना, ये इसकी जो है इसमें ज़्यादातर देखी जाने वाली प्रॉब्लम्स थी। मेजर जो प्रॉब्लम्स थी वो हार्ट अटैक प्रोस्टेट वाली तो थी। उसके अलावा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बंद हो जाना, यानी जिन मेल्स की बॉडी इनफ टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रही है वो लोग भी इसका यूज़ कर रहे थे। होता ये था कि
जो इनका नेचुरल प्रोडक्शन था वो बंद हो जाता था या फिर स्लो हो जाता था। कुछ जो मेल्स हैं वो हाई टेस्टोस्टेरोन को एक्चुअल में हैंडल कर पाती है उनकी बॉडी, मगर कुछ ज़्यादातर मेल्स की नहीं कर पाती है। तो हाई डोज के बाद उनका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन था वो बंद हो जाता था, टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाती थी, जो आपके टेस्टिकल्स हैं वो श्रिंक हो जाते थे, छोटे हो जाते थे। तो इसको टैकल करने के लिए एक PCT प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया, वो उस PCT के ऊपर हम जल्दी ही बात करेंगे, पूरा एक वीडियो देंगे PCT के ऊपर। तो उसमें आपको जो उसके ऊपर कुछ मिथ्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, क्या क्या यूज़ करें PCT में वो भी क्लियर हो जाएंगे, तो वो हम बाद में उस टॉपिक पर बात करेंगे। तो अब बात करते हैं वार्निंग्स, जो आप टेस्ट कोई भी टेस्टोस्टेरोन यूज़ कर रहे हैं, ना कि साइपोनेट, वो प्रोपिनेट, एनेंथेट, सिपोनेट, सस्पेंशन, टेस्टोस्टेरोन, कोई सा भी हो सकता है। तो अब बेसिकली जानते ही लेते हैं कि भाई अगर ये हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें किन किन दिक्कतों का सामना हो सकता है, उससे पहले हमें बॉडी सिग्नल ज़रूर करती है उन प्रॉब्लम्स को। सिग्नल्स को इस तरह से होता है कि जैसे अगर आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर हो रहा है, यानी आपको सोने में दिक्कत हो रही है, तो ये एक सिग्नल है कि वो जो स्टीरॉयड आप ले रहे हो वो आपकी बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट दिखा रहा है, आपके लीवर पे, आपके किडनी पे, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो ठीक नहीं है, सो नहीं पा रहे हो प्रॉपरली, माइंड स्टेबल नहीं हो पा रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, तब भी आप समझ लो एक सिग्नल है कि ये स्टीरॉयड जो है आपकी बॉडी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, या आप वो उसको सही से यूज़ नहीं कर पा रहे हो। उसके अलावा ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आपको मतलब एक अमाउंट पर ज़्यादा ब्रीथ की ज़रूरत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सांस को खींचना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके जो लंग्स हैं उसके अंदर ब्लड क्लॉट्स की मात्रा बढ़ गई है, जिसकी वजह से आप सांस नहीं ले पा रहे हो। तो उसके ऊपर भी आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए जब आप इसे स्टीरॉइड्स को यूज़ कर रहे हो। और अगर हम बात करें, एक और जो प्रॉब्लम होती है वो है उल्टी के जैसा मन होना, यानी वॉमिट फील होना अचानक से। तो अगर आपको वॉमिट फील हो रहा है या आपकी आँखों का रंग, अगर आप आँखों को ऊपर से पुल करोगे तो ये इस एरिया पर आप देखोगे, डॉक्टर्स कई बार चेक करते हैं तो बेसिकली वो देखते हैं कि यहाँ पर पीलापन तो नहीं है। अगर यहाँ पर पीलापन है, इसका मतलब आपके लीवर पे इसने कोई बैड इफेक्ट दिखाया है, जिसकी वजह से वो सब हुआ है, वॉमिट जैसा मन कर रहा है, या फिर खाना खा के अजीब सा फील हो रहा है, तो उसके बाद जो समझ लीजिए कि इसका कुछ बैड इफेक्ट आपके लीवर के ऊपर आ रहा है। इसको टैकल करने के लिए एक तरीका ये होता है कि इसको इंस्टेंटली शट डाउन करें और उन सारी प्रॉब्लम्स को पहले ट्रबल शूट करें कि हो क्या रहा है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप स्टार्टिंग से ही ऐसी डाइट प्लान करें कि वो इन सारी चीज़ों से हमें बचाया जा सके। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत एक्सपर्ट्स लोगों के अंडर जो है स्टीरॉइड को चलाया जाता है, सड़क पे बैठे गुरुजी कभी नहीं चला सकते स्टीरॉइड को। तो प्लीज़ बिल्कुल अपने आप को ध्यान से इस्तेमाल करें, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं सही लोगों से लें, सही गाइडेंस के अंदर लें, और अपनी पर्सनल स्टडी ज़रूर करें, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान आपसे अच्छा टीचर नहीं हो सकता है, आपको खुद पढ़ा सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप अपना नॉलेज को ज़रूर मिक्स करें, तभी आप उसे बेस्ट निकाल पाएंगे और अपने आप को कम साइड इफ़ेक्ट्स दे पाएंगे। साइड इफ़ेक्ट्स तो आपको होने ही हैं, इसका बैड साइड ज़रूर होता है। सो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं। तो मैं लगातार कॉन्टेंट अपलोड करता जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।